जिन्हें गुस्सा करना आता है वो एक दिन रिकॉर्ड बनाए गुस्से का, वो 2, 4, 10, 20 घंटे जरा उसी गुस्से में रह के देखें जरा, जैसे गुस्सा आ रहा है ना आपको, तो 1-2 घंटे नहीं, रिकॉर्ड बनाइए, जरा घर के लोगों से कहो कि हमारा टेम्परामेंट बना के रखो गुस्से का। तो जो आपको गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को 2, 3, 4, 5 घंटे और एक दिन रिकॉर्ड बनाइए, 24 घंटे गुस्से में रह के देखो। अच्छा एक और काम करिए, 24 घंटे प्रेम में रह के देखिए, प्रेम में, करुणा में, स्वभाव में, अपने स्वरूप में, आत्मनिष्ठा में, अपनी सहजता में। अरे भैया प्रेम में 24 घंटे क्या, 24 साल और 24 युग तक रह सकते हो, और गुस्से में 24 घंटे में तो पागल हो जाएंगे आप, वो कुछ देर ही रह सकते हैं आप गुस्से में, कुछ देर। तो गुस्सा क्या है जानते हो, क्रोध क्या है, विजातीय है, आपका नहीं है, बाहर से आया है। और क्रोध आता कब है, कामना की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। तो जब आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है, आपकी वासना लालसा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तब क्रोध आता है, आपकी अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। तो एक छोटी सी बात सुने, अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हुई इसका अर्थ आप असफल हैं, विफल हैं, आप हारे हुए हैं। तो याद रखना, हारे हुए आदमी को क्रोध आता है, असफल व्यक्ति को, अक्षम व्यक्ति को, जो मैनेज नहीं कर पाया, स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपना प्रबंधन नहीं कर पाया, अपने आवेश को रोक नहीं पाया, क्यों, चूंकि विवेक नहीं था, आत्मबल नहीं था, सत्य नहीं था, यथार्थ नहीं था, वास्तविकताएं नहीं थी। और उस पल में जब वास्तविकताएं आपके पास होती हैं तो क्रोध नहीं आ सकता। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।